नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय भीम साथियों। लाल की क्लास के अंबेडकर नामा सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई। आज की चर्चा हम बौद्ध धर्म और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर ही सीमित रखेंगे, और इस चर्चा में आज सबसे पहले मैं एक चिट्ठी का जिक्र करूंगा, पत्र का, जो डॉक्टर अंबेडकर ने 30 अक्टूबर 1956 को कलकत्ता स्थित जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव थे, श्री डी वली सिन्हा वली सिन्हा, उनको लिखा था। 30 अक्टूबर 1956, और ये दिन है जिस समय ये धर्मांतरण कर चुके थे, तो इसलिए ये पत्र को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी होता है। इस पत्र का जो सार है, जो सारांश है, जो बिंदु है, वो यह है कि धम्म का प्रचार करके ही जो भिक्षु हैं वो बुद्ध की सेवा कर सकते हैं। तो इस पत्र के बहाने मैं वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर अंबेडकर क्या समझते थे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ पत्र के कुछ प्रमुख बिंदु आपके सामने रखूंगा, और उसी के द्वारा बौद्ध धर्म, धम्म और जो भिक्षुओं के कार्य हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं वो कि 25 अक्टूबर 1956 का आपका पत्र मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वास्तव में नागपुर का कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम था, जो धर्मांतरण का कार्यक्रम था उसके बारे में कह रहे थे। धर्म परिवर्तन के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ी, जितने लोग आए शामिल हुए, वो मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से ठीक ठाक हुआ, और इसके लिए मैं बुद्ध को धन्यवाद देता हूं। आगे लिखते हैं, मुझे खुशी है कि शुरुआत अच्छी हुई है, परंतु भविष्य में इसके प्रगति के लिए हमें निरंतर लगातार प्रयास करते रहने पड़ेंगे, और इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, उनके बीच बौद्ध धर्म की शिक्षा को कैसे ले जाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। तो इसके साधन और तरीके के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कहते हैं, लिखते हैं कि हमें इस बात का कोई संदेह नहीं और न रहना चाहिए कि लोगों के बीच धम्म के सिद्धांत को ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ेगी, उनको ट्रेंड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं, लिखते हैं कि इस कार्य के लिए सबसे जो बढ़िया वाहक होंगे वो होंगे भिक्खु होंगे, क्योंकि भिक्खु जहां जाते हैं उनके साथ साथ उनकी एक प्रतिष्ठा, एक पहचान भी जाती है, और वे जो काम कर सकते हैं वो आम उपासक, आम लोग नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बढ़िया वाहक वो भिक्खु हैं। कि मेरे विचार से वे तो इस बात से खुश, बहुत खुश होंगे कि उनके हिस्से का एक बड़ा काम मैंने कर दिया है, कि जितना भिक्खु जा जा के बौद्ध धर्म का प्रचार करते, एक ही झटके में उन्होंने कई लाख लोगों को बौद्ध बना दिया है। तो ये काम बेसिकली कह रहे हैं कि ये भिक्खुओं का काम है कि बौद्ध में कन्वर्ट करना है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, लेकिन उनके हिस्से का काम मैंने कर दिया है। लेकिन भिक्खुओं के साथ जो कठिनाई है बौद्ध धर्म के और धम्म के प्रचार के लिए, उस कठिनाई को भी अंबेडकर बखूबी उस समय समझ रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि भिक्खुओं के साथ परेशानी ये है, कठिनाई ये है कि भिक्खु लोगों की भाषा, लोक बोली, लोक भाषा जिसमें लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो सीखना नहीं चाहते। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग और घटनाएं होंगी जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि बौद्ध संघ को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। एकांतवासी जीवन छोड़कर, उनके जीने एकांतवासी जीने की बजाय
ईसाई मिशनरियों की तरह सामाजिक कार्यकर्ता और प्रचारक की भूमिका उन्हें निभानी पड़ेगी और निभानी चाहिए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। आसपास जितने आपके बौद्ध मठ होंगे एक बार उनसे ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या कह रहे थे अंबेडकर। फिर आके लिखते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा है, आजकल वे तो न अरहन हैं और न ही समाज के लिए उपयोगी हैं। कहते हैं जिस हालात में ये बौद्ध भिक्षु अभी हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जो शैली है वो यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। ये मुझे लगता है बहुत ही दिलचस्प उनका ऑब्जर्वेशन उस समय था। सो यह बातें उन्हें समझाना होगा और एहसास कराना होगा कि बुद्ध की सेवा वे उनके धम्म का प्रचार करके ही कर सकते हैं, क्योंकि धम्म का प्रचार ही बुद्ध की सेवा है। सिर्फ बुद्ध का माला जपने से और दिन भर नमो बुद्धाय कहने से बात बनने वाली नहीं है। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही बुद्ध की असली सेवा है, ये कहने का उनका मतलब है। फिर दिलचस्प आइडिया सब उनका आ रहा है। वो कहते हैं, इनको जो चिट्ठी लिख रहे हैं तो कहते हैं कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि भिक्षुओं और गैर भिक्षुओं, मतलब मॉन्क्स और जो लेटी जो आम उपासक हैं, उनके लिए एक साइंटिफिक तरीके से एक सेमिनार का आयोजन किया जाए जिसमें उन्हें बुद्धिज्म के मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत की विभिन्न भाषाएं सिखलाई जाए, जिससे कि वो भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। सोचिए इस मौके पर कि बुद्ध ने भी अपने जमाने में लोक भाषा का इस्तेमाल किया था, जन भाषा का, पाली का, कि जो जन जन तक पहुंचा जा सके। अंबेडकर भी वही बात कह रहे हैं कि एक भाषा नहीं, भारत की विभिन्न भाषाएं, क्योंकि इंग्लिश तो लिंगुआ फ्रांका है, दुनिया में कहीं जाएंगे कम्युनिकेट हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में किसी को समझाना है, मणिपुर में समझाना है, उड़ीसा में समझाना है, तो कैसे समझाएंगे। तो बार बार ये बात को समझते थे कि भारत जो है एक बहुभाषी देश है, इसमें कई तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, तो इसलिए भिक्खु को हर भाषाओं में उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। लेकिन आज इस मौके पे कई बार हमने कहा भी है कि जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं और बुद्ध वंदना होती है, तो ये सवाल जरूर बनता है कि क्या वो वंदना जो आम लोग वहां पे हैं उनको समझ में आती है क्या। आप जैसे देखिए, अब प्राकृत और जो पाली है वो जन जनता के बीच में नहीं है, वो क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है, क्लासिकल भाषाएं हैं, साहित्य हैं वो, तो इसलिए अब जन भाषा क्या है, अब हिंदी है या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उस भाषा में जब तक हम धम्म की शिक्षाओं को नहीं लेकर जाएंगे तब तक वो बात बनती नहीं। जैसे आज संस्कृत कितने लोग पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले बहुत ही अब कम लोग हैं, और उनका क्या हाल है आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि क्या स्थिति है। आगे कहते लिखते हैं यूथ पे, बहुत बढ़िया टिप्पणी है, ये सुनने लायक है, कि लिखते हैं कि जो भारतीय यूथ का जो माइंडसेट है, जिस तरह का सोच है, मेरी समझ में उनके उनके बीच संघ के आदर्शों को, मोनास्टिक आइडियल्स को ले जाना एक दुष्कर कार्य है, एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसका तरीका वो बताते कि इसका बढ़िया तरीका क्या है। इसका बढ़िया तरीका है कि जापानी मॉडल इंपोर्ट कीजिए, कि जापान के जो प्रिस्ट होते हैं वो शादीशुदा सांसारिक जीवन जीते हैं, सो वो मॉडल इंपोर्ट कीजिए, और इस मॉडल को जो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों ने भी अपनाया है कि वैवाहिक जो घरेलू जीवन है उसके साथ जो है उनको मॉन्क बनाया जाए, और तब वो जाकर इसका प्रचार प्रसार करें। जापानीज मॉडल याद रखिएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही संसाधन, पैसे और तरीकों की जरूरत पड़ेगी, तो ये रास्ता भी उनके पास है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि उनके पूरे प्रशिक्षण की अवधि, जब उनको हम ट्रेंड करेंगे उस समय, और जब ट्रेंड होकर जब वो पब्लिक लाइफ में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे प्रचार करने के लिए, तो उसके लिए फुल टाइम होल टाइमर चाहिए, तो उनके लिए हमको संसाधन और कैसे संसाधन इस्तेमाल हो इसकी भी जरूरत
पड़ेगी और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये सब बात एक व्यवहारिक बात है और मैं अगले एपिसोड में दिलचस्प जानकारियां मुझे मिल रही हैं बौद्ध धर्म और अंबेडकर के बारे में। कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है जिसमें कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हुआ कि बौद्ध भी मानते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा और वंदना भी करते हैं, इसी कारण जो आम उपासक है उनकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार एक कारण ये भी बताते हैं अन्य कारणों के अलावा। तो ये सवाल हमें आजकल जो बौद्ध मठ चलते हैं ये कोई आलोचना नहीं है, ये समझना है कि उनसे एक सवाल है कि आखिर बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होगा, धम्म का प्रचार कैसे होगा, अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो जब तक बौद्ध मठों से निकलकर भिक्षु जिन्होंने धम्म की दीक्षा ली है घर घर जाकर वो उनकी शिक्षाओं का प्रचार नहीं करेंगे तब तक ये काम बहुत ही दुष्कर है। सिंबोलिज्म करने से, सिर्फ जयंती मनाने से बात बनेगी नहीं। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव भी इस मोड़ पे साझा करना चाहता हूँ कि मैं एक बार बोध गया गया था और कुछ मॉन्ग हमसे मिलने आए थे, तो हमने उनसे आग्रह किया था कि आप कुछ मुझे मॉन्ग दें यहाँ पे और मैं अपने कुछ लोग 50-100 लोग इकट्ठा करता हूँ और चलता हूँ प्रचार करने गांव-गांव घर घर चल के बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, दीक्षा के बारे में सब कुछ बात करेंगे। और उनका जवाब बहुत दिलचस्प था, उन्होंने कहा यहाँ ढूंढने से उस तरह के मॉन्ग नहीं मिलेंगे। तो ये बोध गया की बात मैं कर रहा हूँ और मेरी सच है कि झूठ है मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं अनुभव जरूर साझा कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो रिचुअल और सिर्फ बौद्ध मठ बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहीं तक सिमट के रहना वो ठीक नहीं है। उसको ले जाके जन जन तक ले जाने के लिए बौद्ध भिक्षु हैं कार्य करें और हम लोग जो है, हम लोग जैसे जो लेमैन हैं उसमें हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो उनमें सहयोग करेंगे, जो लोग घरेलू जीवन जीते हैं। बहरहाल आगे की योजना की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि बॉम्बे में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम संभवतः दिसंबर में होंगे, शायद ये नहीं कर पाए, 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। और इसलिए कहते हैं कि दिसंबर में कि कहते हैं क्रिसमस के छुट्टी के समय ऐसा अवसर होता है जिसमें लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी, छुट्टी भी होगा, इसलिए क्रिसमस के आसपास ये कार्यक्रम किया जाए। कि आगे लिखते हैं कि आशा करता हूं कि महाबोधि जर्नल में, जो जर्नल निकलती थी सोसाइटी की, आप धम्म परिवर्तन के नागपुर कार्यक्रम का अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे होंगे और इस सिलसिले में मैं कुछ और पॉइंट्स आपको देना चाहता हूं, कुछ और बिंदु आपको उद्धृत करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, सूचना देते हैं उनको क्या क्या हुआ था। लेकिन नागपुर में पहले दिन 3,80,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, फिर कुछ लोग कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद पहुंचे नागपुर, तो इसलिए दूसरे दिन जो पहले शिफ्ट में फिर दूसरा बड़ा कार्यक्रम धम्म परिवर्तन का हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि 16 अक्टूबर को शाम में चंदा जिसको आज चंद्रपुर के नाम से जानते हैं, चंदा में एक अन्य कार्यक्रम में तकरीबन 3,00,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, 3,00,000। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि कल के एक समाचार पत्र के अनुसार मेरे लौट आने के बाद अकोला में फिर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें तकरीबन 2,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। चौथा पॉइंट उनको बताते हैं कि मराठी अखबार नवयुग ने नागपुर कार्यक्रम में शामिल भीड़ का कुछ शानदार फोटो प्रकाशित किया है। पांचवा पॉइंट लिखते हैं कि विभिन्न प्रदेशों से मुझे धर्मांतरण के लिए पत्र मिल रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि यदि आप महाबोधि जर्नल का विशेषांक निकाल रहे हो तो आप बोलें तो जितने फोटोग्राफ्स हैं और जितनी सूचनाएं हैं मैं आपको भेज दूँ कि आप जब बताएंगे तो मैं भेजूंगा। आगे वो सारनाथ के अपने कार्यक्रम की बात करते हैं, ये चिट्ठी है 30 अक्टूबर 1956 का और ये सूचना, ये जानकारी आपको मिलेगी द राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 1 और पेज नंबर 4462-448। वहाँ जाकर ये आप चिट्ठी और उसके आगे पीछे भी पन्ने उल्टेंगे तो बहुत सारी सूचनाएं आपको वहाँ पे धम्म के बारे में और उनके भाषण और रिपोर्टिंग्स के बारे में बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। साथियों, इस मौके पे एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि हम जैसे साधारण लोग
हम जो बात कहते हैं आपके माध्यम से 1,000, 5,000, 10,000 लोगों के बीच जाती है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया तो लाखों लाख लोग ने धर्म परिवर्तन किया, उसी तरीके से जो देश के बड़े लोग हैं, जो बड़े हमारे नेता हैं, उनको इस दिशा में पहल करनी चाहिए। और साथ साथ जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो मोनेस्ट्री है, मुझे लगता है कि उनको भी अपने मोडस ऑपरेंडी कार्य की शैली में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, और हम लोग से जो बन पड़ सकता है हम लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो बौद्ध धर्म पे और अंबेडकर के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग ठीक से इसको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य साधन पर ठीक से शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना क्राइसिस है और अभी मैं थोड़ा सा रिलेटिवली खाली हूं, तो रोज़ बात कर ले रहा हूं, कॉलेज खुलने के बाद थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए कम समय कम है, ज़्यादा काम है। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है पढ़ के आपके बीच ले जाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाना। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।